धेय टीवी के डेली एमसीक्यू कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आईएएस, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यूनाइटेड नेशंस ने 2024 को मोटे अनाज यानी मिलेट का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। दूसरा, भारत के मोटे अनाजों से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के प्रस्ताव का 70 से अधिक देशों ने समर्थन किया है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी न तो एक न ही दो। इसका उत्तर है बी। नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ 20 दिसंबर 2021 को एक आशय घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया है। इस साझेदारी के तहत मोटे अनाज को मुख्य धारा में लाने पर ध्यान दिया जाएगा और 2023 को अंतर्राष्ट्रीय कदन या मिलेट वर्ष होने के नाते इस अवसर पर भारत को ज्ञान के आदान प्रदान के क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करने में समर्थन दिया जाएगा। इसके अलावा इस साझेदारी का लक्ष्य है छोटी जोत के किसानों के लिए सतत आजीविका के अवसर बनाना, जलवायु परिवर्तन को देखते हुए क्षमताओं को अपनाना और खाद्य प्रणाली में बदलाव करना। तो ये जो नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम ने घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, इसी के चलते मोटे अनाज या जो मिलेट है वो सुर्खियों में आया है और इसीलिए ये प्रश्न भी निर्मित किया गया है। कदन फसलों यानी जो मिलेट्स हैं, ज्वार, बाजरा, रागी, मडुआ, सावा, कोंदो, कुटकी, कंगनी, चीना, ये सब जो हैं इनके महत्व को पहचान कर भारत सरकार ने 2018 को मिलेट वर्ष के रूप में यानी कदन वर्ष के रूप में मनाया था ताकि मोटे अनाज के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जा सके। और इस पहल को आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार ने ही संयुक्त राष्ट्र महासभा में 2023 को न कि 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कदन दिवस यानी इंटरनेशनल मिलेट ईयर के रूप में घोषित करने के प्रस्ताव का नेतृत्व किया था। यूएन ने भारत द्वारा आयोजित प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया है और इसके तहत 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है और इस प्रस्ताव का 70 से अधिक देशों ने समर्थन किया है। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। इंडोगी झील जो अभी सुर्खियों में है किस देश में स्थित है? ए भारत, बी ऑस्ट्रेलिया, सी जर्मनी, या फिर डी म्यांमार। इसका उत्तर है डी यानी म्यांमार। इंडोगी झील म्यांमार में स्थित है। म्यांमार के काचिन स्टेट में स्थित इस झील में हाल ही में दुनिया की दो दुर्लभ प्रजातियां पाई गई हैं। यह पाइप फिश की प्रजाति है। ये दोनों प्रजातियां इस लेक की ही एंडेमिक हैं यानी मूल निवासी हैं। यह झील दक्षिण पूर्वी एशिया की ताजे जल वाली यानी फ्रेश वाटर की तीसरी सबसे बड़ी झील है और यह वैश्विक रूप से संकटापन्न और दुर्लभ जल पक्षियों यानी वाटर बर्ड सहित 106 पक्षी प्रजातियों का निवास स्थान है। इस झील को एशियन हेरिटेज पार्क का दर्जा दिया जा चुका है और यह एक रामसर साइट भी है, जिसका मतलब है कि यह अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि यानी वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस भी घोषित की जा चुकी है। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। डिसमंड टूटू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, रंग भेद और नस्ल भेद विरोधी कार्यों और शांति के संदेशों के प्रसार के लिए उन्हें 1984 में नोबेल पीस प्राइज मिला। दूसरा, गांधीवादी मूल्यों के प्रसार के लिए उन्हें 2010 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी न तो एक न ही दो। इसका उत्तर है ए। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नस्ल भेद विरोधी कार्यों के मजबूत आधार स्तंभ डिसमंड टूटू का कल यानी 26 दिसंबर को निधन हो गया। उन्हें वर्ष 1984 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साथ ही वर्ष 2005 में उन्हें गांधी शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। उन्होंने नस्लीय वर्गीकरण यानी जो रेशियल डिवीजन है उससे विहीन लोकतांत्रिक और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना का स्वप्न देखा था और वही उनका उद्देश्य भी था। उनकी पहली मांग थी कि अफ्रीका में सभी के लिए समान सिविल अधिकार हों, सिविल राइट्स हों। उन्हें साउथ अफ्रीका के भेदभावकारी पासपोर्ट कानूनों को खत्म करने की मांग के लिए याद रखा जाएगा। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में एजुकेशन के कॉमन सिस्टम को विकसित करने की भी मांग की थी और वह गांधीवादी दर्शन, गांधीवादी मूल्यों से बहुत प्रभावित थे और गांधी को अपना गुरु मानते थे। अब बात करते हैं चौथे सवाल की।
हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा उच्च स्तरीय समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की गई है, जिसका गठन भारत के सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और चिंतक की 150वीं जयंती पर आयोजित किए जाने वाले स्मरणोत्सव के लिए किया गया है। यह स्वतंत्रता सेनानी और चिंतक कौन है? आपके ऑप्शंस हैं ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी विनायक दामोदर सावरकर या फिर डी महर्षि अरविंदो घोष। इसका उत्तर है डी। 24 दिसंबर को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च स्तरीय समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की, जिसका गठन श्री अरविंदो घोष की 150वीं जयंती पर आयोजित किए जाने वाले स्मरणोत्सव के लिए किया गया है। इस समिति की अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन 20 दिसंबर 2021 को जारी की गई थी और इस समिति में विभिन्न क्षेत्रों के 53 सदस्य शामिल हैं। अरविंदो घोष पहले ऐसे राजनीतिक नेता थे जिन्होंने 1906 में अपने समाचार पत्र वंदे मातरम में देश की पूर्ण स्वतंत्रता यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस का विचार दिया था। उनके ऊपर ब्रिटिश सरकार द्वारा 2 बार राजद्रोह यानी सेडिशन के लिए मुकदमा चलाया गया और 1 बार कॉन्स्पिरेसी चलाने के लिए भी उन पर मुकदमा चलाया गया और मुकदमा चलाने के बाद उन्हें अलीपुर जेल में रखा गया था। उन्होंने पुडुचेरी में ओरेविले आश्रम का गठन किया था। उनकी किताबें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो अक्सर स्टेट पीसीएस आरओ और एआरओ के एग्ज़ाम में पूछी जाती रहती हैं, आईएएस में भी पूछी जाती हैं। उन्होंने न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड्स जैसे लेख प्रकाशित किए थे, दी लाइफ डिवाइन, दी सिंथेसिस ऑफ योगा और सावित्री जैसी पुस्तकें भी उन्होंने लिखी थीं। अब बात करते हैं आज के 5वें और अंतिम सवाल की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने देश का अपनी तरह का पहला वर्नाक्यूलर इनोवेशन प्रोग्राम यानी वीआईपी प्रोग्राम विकसित किया है। दूसरा, 8वीं अनुसूची में नई भाषाओं को शामिल करने के मानकों की जांच पड़ताल के मैंडेट के साथ यह प्रोग्राम काम करेगा। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों या फिर डी न तो एक नहीं दो। इसका उत्तर है ए। व्याख्या देखते हैं। देश भर में नवोन्मेषकों यानी इनोवेटर्स और उद्यमियों यानी जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको सशक्त बनाने की महत्वाकांक्षा और उद्देश्य के साथ अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग अपनी तरह का पहला वर्नाक्यूलर इनोवेशन प्रोग्राम लेकर आया है जो देश में नवोन्मेषकों और उद्यमियों को भारत सरकार की 22 अनुसूचित भाषाओं में नवाचार इकोसिस्टम यानी इनोवेशन इकोसिस्टम तक पहुँच बनाने में सक्षम बनाएगा। वर्नाक्यूलर इनोवेशन प्रोग्राम के लिए आवश्यक क्षमता निर्माण को लेकर अटल इनोवेशन मिशन 22 अनुसूचित भाषाओं में से प्रत्येक की पहचान के बाद एक वर्नाक्यूलर टास्क फोर्स को प्रशिक्षण प्रदान करेगा। प्रत्येक टास्क फोर्स में स्थानीय भाषा के शिक्षक, विषय विशेषज्ञ, तकनीकी लेखक और क्षेत्रीय अटल इंक्यूबेटर सेंटर यानी रीजनल अटल इंक्यूबेशन सेंटर का नेतृत्व भी शामिल है। संविधान की 8वीं अनुसूची में नई भाषाओं को शामिल करने के मानकों की जांच पड़ताल का मैंडेट इस वर्नाक्यूलर इनोवेशन प्रोग्राम को नहीं दिया गया है। नीति आयोग ने कहा है कि भारत इस तरह की पहल शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश हो सकता है जहां 22 भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी की एक नवाचार इकोसिस्टम बनाई जा रही है। अटल इनोवेशन मिशन स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और वैश्विक नवाचार पाइपलाइनों को समृद्ध करने के लिए तत्पर है। यहाँ यह जानना ठीक रहेगा कि अटल नवाचार मिशन और नीति आयोग और साथ ही संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष यानी UNCDF ने अपने महत्वाकांक्षी नवाचारी एग्री टेक कार्यक्रम के लिए अपना पहला एग्री टेक चैलेंज कोहार्ट हाल ही में शुरू किया है, जिसका उद्देश्य कोरोना महामारी के परिणाम स्वरूप पैदा हुई चुनौतियों से निपटने में एशिया और अफ्रीका के छोटे किसानों की मदद करना है। यह सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसे किसने शुरू किया है। AIM यानी अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और UNCDF, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन और राबो फाउंडेशन के साथ भागीदारी में साउथ साउथ इनोवेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है ताकि इस साल जुलाई 2021 में नवाचारों, परिज्ञान और निवेशों का एक देश दूसरे देशों में आदान प्रदान करने में सक्षम हो सके और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारत, इंडोनेशिया, मलावी, मलेशिया, केन्या, युगांडा, जाम्बिया के उभरते हुए बाजारों में क्रॉस बॉर्डर सहयोग इनोवेशन के लेवल पर स्थापित हो सकेगा। तो ये था आज का हमारा डेली MCQ कार्यक्रम। आपके 5 में से कितने सवाल सही हुए, कितने गलत हुए, आपका ओपिनियन इस प्रोग्राम को लेकर के क्या है, ये सब आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।